ओम शांति। आज की रात्रि क्लास है 3x68। और सभी हैं भक्ति मार्ग के सत्संग, और ये है ज्ञान मार्ग का सत्संग। वहां तो जो बहरे होते हैं वो भी चले जाते हैं, और यहां तो पढ़ाई है। जो बहरे हैं वो तो समझ नहीं सकते, तो नजदीक बिठाया जाता है। यहां तुम समझदार बनते हो, बच्चे समझते हैं कि बाप हमें पढ़ाते हैं और मैनर्स सिखाते हैं। बाप कहते हैं कि जन्म जन्मांतर काम विकार से हारने के कारण तुम कोई काम के नहीं रहे हो। अभी इन विकारों पर जीत पा करके समझदार बनते हो। जो बेसमझ हैं वो समझदार देवताओं का वर्णन करते हैं, महिमा गाते हैं, कीर्तन करते हैं। ये बातें भी तुम अभी समझते हो, भगवान वाच। इस समय तो सभी बेसमझ हैं, फिर भगवान ही आकर के सभी को श्रृंगार कर समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी श्रृंगारे हुए हैं ना, श्रृंगार देखने में तो आता है ना। तो ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं, मनो कानों में कुंडल है, तो बताते हैं कि दिव्य गुण धारण करो। जरमुई जगमुई की बातें न सुनो, हियर नो इविल। जो बाप सुनाते हैं वो ही सुनो। कानों को बांध के रखो। इसमें पुरुषार्थ करना होता है। भक्ति मार्ग में तो कोई ऐसा पुरुषार्थ करना नहीं होता है। स्कूल में जाते हैं, पुरुषार्थ करके बैरिस्टर जज आदि बनते हैं, परंतु वहां भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं बनते हैं। बाप को बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते कि कैसे आकर के पावन बनावेंगे। पावन बनाने के लिए आने की क्या दरकार है।
वो ब्राह्मण भी समझते हैं कि भगवान तो ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुना के चला गया। अब पति से पावन हम अपने आप ही बनते रहेंगे। अरे तुम तो जन्म जन्मांतर गाते आए हो ना, आकर के पावन बनाओ। ये नहीं गाया है कि आकर के ज्ञान सुनाओ। बापू जी गाते थे, हे पतित पावन आओ, परंतु जानते थोड़े ही थे कि राम राज्य किसको कहा जाता है। न जानने के कारण राम राज्य की जगह और ही रावण राज्य स्थापन हो गया। अभी राम का राज्य तो राम ही स्थापन करेंगे ना। राजा का राज्य तो राजा ही स्थापन करेगा ना। अभी तुम्हारा युद्ध तो है पांच विकारों के साथ। तो इस युद्ध में देह अभिमानी बनने से काम चल न सके, आत्मा अभिमानी होकर रहना होता है। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। देह अभिमान में घड़ी घड़ी आने से उल्टे उल्लू होकर लटक जाते हो। दुनिया में तो कोई भी नहीं जानता है कि भगवान किसको कहा जाता है। कह देते हैं जिधर देखो उधर भगवान ही भगवान। भगवान तो सर्वव्यापी है। या तो बाप बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं और बच्चों से पूछते हैं, अच्छी रीति समझते हो कि भगवान क्या है, कहाँ है, क्या कर कर करते हैं। अगर जानते हो तो मुझे अपने निराकार बाप को याद करो, क्योंकि भगवान वाच है तो समझना होता है। भगवान तो निराकार होता है, कैसे वो वाच करेंगे। जरूर कोई तन में आवेंगे तब तो वो वाच करेंगे ना। और ऐसे भी नहीं कि भगवान कोई साकार होता है, नहीं, साकारी स्टेज वाले को भगवान नहीं कहा जाता है। देवताएं भी साकारी होते हैं, देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता है। शंकर को महादेव कहते हैं, परंतु वो भी तो भगवान नहीं है। भगवान तो निराकार है। भगवान को कोई को याद करने की दरकार नहीं है। निराकार बनने के लिए पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। वो तो सदैव है ही निराकार। साकार तन में आते हैं तो भी निराकार है। मनुष्य मनुष्य को नमन नहीं करेंगे। पवित्र अपवित्र को नमन नहीं करेंगे।
जो अपवित्र होते हैं वो ही जाकर पवित्र देवताओं की पूजा करते हैं, नमन करते हैं। तो ये सभी बातें अच्छी रीति समझने की है और समझाने की है, क्योंकि तुम बच्चे शिव बाबा को तो जानते हो। शिव बाबा के लिए ऐसे तो नहीं कहेंगे कि वो कुत्ते बिल्ले में आता है। नहीं, भगवान तो मनुष्य वेश में ही आवेगा ना। जो भी प्राणी मात्र हैं उनमें मनुष्य ही ऊंचते ऊंचे हैं, तो जरूर मनुष्य में आवेंगे। मनुष्यों में ही मन बुद्धि होती है, मन बुद्धि के आधार पर समझ सकते हैं। जानवर थोड़े ही समझेंगे, और जानवरों को थोड़े ही समझाने आऊंगा। तो तुम तो शिव बाबा को जान गए हो। बाप कहते हैं कि भारत में भगवान को कितनी गालियां देते हैं, मानो मखु में कितना गंद भरा पड़ा है। एक तो मुख से गालियां देते हैं और दूसरे फिर विकार में जाते रहते हैं। अर्थात विपरीत कर्म करते हैं। तो डबल गंदे हो गए। ये है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया, सतयुग नई दुनिया है। वहां तो होते ही देवताएं हैं, कोई प्रकार की गंध नहीं होती। यहां तो कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे, फिर समझाना पड़ता है। अरे ये तो है ही पतित दुनिया, पतित दुनिया में पतितों का ही राज्य है। राजाएं पतित हैं तो प्रजा भी जरूर पतित होगी। पुरानी दुनिया में सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। तब तो गांधी जी गाते थे, हे पतित पावन आओ। तो ये कोई बिल्कुल नहीं समझते हैं कि हम नरकवासी हैं। तो बाप को ही आकर के फील कराना पड़ता है। कहते हैं बताओ पहले तुम कौन थे। जैसे बाप कहते हैं कहां गए थे, अरे तुम इतने ऊंच कुल के तुम अपने कुल को भूल गए। वैश्या के पास जाता है काला मुकरने, शर्म नहीं आता। तो ऐसे बाप भी कहते हैं मैं तुमको इतना गोरा बना करके गया, विश्व का मालिक बना करके गया। वो सभी पैसे तुमने कहां गंवाए, पैसे बर्बाद करते हैं ना। तो बेहद के बाप तो ये सब बातें समझावेंगे।
और समझावेंगे भी किसको? साहूकारों को समझावेंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज, बाप को मर्तबे आदि का इतना नहीं रहता है। बाप तो सभी कहेंगे, बंदर भी कहेंगे, उल्लू पाजी भी कहेंगे, इसलिए बाप कोई से मिलते नहीं है, क्योंकि ये पतित दुनिया है। परंतु मनुष्य होकर के मनुष्यों को देखना पड़ता है, नहीं तो कोई तो फिर गाली भी देने लग पड़ते हैं। अब ये है भगवान वाच, ये तो सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है, और हमारी तो है ही ब्राह्मण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय, और ये भी जानते हो कि न साधु संत महात्मा आदि का उद्धार तो बाप को ही करना है। तो वो फिर किसी का उद्धार कैसे कर सकेंगे? परंतु ऐसी बातें करने वाला, समझाने वाला हनुमान जैसा होना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। अभी तो मनुष्यों के आसुरी गुण हैं, अर्थात बंदर मिसल हैं। रामायण में मनुष्यों की भी भेंट बंदरों से की है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदरों ने रावण पर जीत पाई थी ना, तो अभी तुम बाप से बल लेकर के मंदिरों को भी लायक बना, बंदरों को भी मंदिर लायक बनाते हो। तो जरूर पहले मंदिर लायक बनना पड़े, क्योंकि अभी तुम शिव बाबा के बच्चे बने हो, पवित्र बनते हो। ये देवी देवताएं बाबा के बच्चे थे, क्या देवी देवताएं बाबा के बच्चे थे? शिव बाबा के बच्चे थे, शिव बाबा देवी देवताओं को पैदा करता है, है? पैदा करता है, है? पैदा करता है कि नहीं? पढ़ाता है, पैदा तो नहीं करता, तो बच्चे कहां हुए? सत्युग में देवताएं होते हैं, वो सत्युग में देवताएं राधा कृष्ण किसके बच्चे थे? है? देवताओं के बच्चे थे, शिव बाबा के बच्चे नहीं थे। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। कब आता है? है? संगम पर आता है,
तो आने से पहले सदा कायम था या नहीं था? जिसमें आता है वो था, तो जिसमें आता है उसको आप समान बनाकर जाता है, बाप समान बनाकर जाता है या ऐसे ही चला जाता है? बाप समान बना के जाता है, तो शिव बाबा कहा जाता है। जरूर शिव बाबा ने संगम पर पढ़ाया है और पढ़कर के मनुष्य से देवता बने हो, ये तो ठीक है कि बैरिस्टर ही बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ाकर बैरिस्टर बनाता है, डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, परंतु यहां तो पढ़ाने वाला कौन है? डॉक्टर है? है? पढ़ाने वाला डॉक्टर है? नहीं है तो कहते हैं मैं सर्जन हूं, मैं धोबी भी हूं, तो झूठ कहते हैं क्या? इसमें तेज बुद्धि चाहिए पढ़ने के लिए, पढ़ करके और फिर दूसरों को पढ़ाना है। अगर कोई नहीं पढ़ाते हैं या पढ़ाने लायक नहीं बनते हैं तो उनको कहेंगे जर्जरी भूत बुद्धि। पढ़ करके दूसरों को पढ़ाई ना पढ़ावे तो हल्का पद पा लेंगे। तुम्हारी बुद्धि भी अगर रुलेगी पिलेगी तो हल्का पद पा लेगी। इसलिए बुद्धि में सदैव कैसे संकल्प चलना चाहिए? खुशनुमा संकल्प चलने चाहिए, अच्छे वाइब्रेशंस निकलने चाहिए। बाबा कहते हैं ये संगम युग है, मौजों का युग। तो मौजों का युग कौन बनाता है? हमारे लिए मौजों का युग कौन बनाता है? ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा बनाता है, लेकिन वास्तव में अगर शिव बाबा बनाता है तो सबका बनाए, तो सबका बनाता है क्या? फिर क्यों नहीं बनता सबका? क्योंकि अपने पुरुषार्थ के ऊपर मदार है। बाबा ने तो पढ़ाई पढ़ाई कि संगम युग में कैसे मौजों की शूटिंग करें। एक बाप से बुद्धि रखेंगे तो जरूर ऊंच पद पावेंगे। जो अनपढ़े होंगे वो जरूर पढ़ों के आगे भरी ढोवेंगे। देरी से आने वालों को भी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। यहां तो लास्ट में आने वाले भी फास्ट चले जाते हैं। फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर में आ सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज तो एक सेकंड की है। सेकंड में मुक्ति गाई हुई है। बाप को पहचाना और जीवन मुक्ति का वर्षा मिला। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप के पास तो हम सदा के लिए जाकर बैठ जावे। ऐसी मस्ती ना जावे, कब छोड़े ही नहीं।
परंतु कई तो बाबा के पास आते ही नहीं है और ही दूर भागते रहते हैं, नजरें चुराते रहते हैं। ऐसे फिर माया का थप्पड़ लगने से मर पड़ते हैं। बाबा तो जानते हैं महारथियों को भी माया हप कर लेती है और ये महारथी का नाम भी तुम पर है। वो दिलवाड़ा मंदिर बनाने वाले तो जानते ही नहीं। कि मंदिर में ये घोड़े हाथी रथ सवार क्यों दिखाए हैं? कितनी अंधश्रद्धा है। मूर्ति बना करके पालना करके आजकल तो डुबोते भी रहते हैं। ऐसा कलयुग में होता है, कलयुग में लतसंग करते हैं ना तो लात मार करके डुबो देते हैं। तुम तो ये सब बातें समझ गए हो कि हम भी पहले अब्बल नंबर बेवकूफ थे, ये तो और ही नंबर वन पतित था और मुझे तो इनका ही रथ चाहिए। ये पतित तो था ना, अभी तुम तो मनुष्य से देवता बनते हो, फिर नई दुनिया में आवेंगे। सीधी बात है, मैं आकर के नर नारी को ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 4:12:68। मीठे मीठे बच्चे, तुम लकी सितारे हो। लकी भाग्यवान को कहा जाता है और बाप तो कहते हैं तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली भी नहीं कहते। तुम जानते हो कि हम परमधाम को भी याद करते हैं, वो है ऊंचते ऊंच धाम। और उस ऊंचते ऊंच धाम में जो भी नंबरवार आत्माएं हैं उनमें ऊंचते ऊंच बाप को याद करते हो। जानते हो कि बाप को याद करने से हम जरूर पवित्र बन जाएंगे। जो आत्मा जितनी पवित्र बनेगी उतना ऊंचा उड़ेगी। यहां बैठे बैठे ख्याल तो आता है ना, बाबा और कोई तो तकलीफ नहीं देते हैं। दुनिया में जीवन मुक्ति तो कोई भी नहीं जानते। वे सभी पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का भी अर्थ नहीं जानते हैं। समझते हैं कि हम जन्म मरण से मुक्त हो जावे, आत्मा सदाकाल के लिए मुक्ति को पा जावे।
अब सदा काल की मुक्ति तो होती नहीं। एक तरफ कहते हैं मुक्ति सदा काल के लिए, और दूसरी तरफ कहते हैं भगवान कल्प कल्प आते हैं, युगे युगे आते हैं। अरे भगवान को तुमने इस दुनिया में बांध दिया और खुद की मुक्ति चाहते हो। कोई कहते हैं हम तो ब्रह्म में लीन हो जावेंगे। एक बार लीन हो जावेंगे फिर हम इस दुनिया में आवेंगे ही नहीं। उनको तो इस बात का पता ही नहीं है कि इस चक्र में तो जरूर आना पड़े, भगवान को भी आना पड़ता है। अभी तुम बच्चे तो इन बातों को समझते हो, तुम बच्चों को मालूम है हम सुदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। लकी सितारे आसमान में चमकते रहते हैं, तुम भी ऊंची स्टेज में जावेंगे तो सारी दुनिया में ज्ञान की लाइट मारेंगे। ऐसे लकी सितारों को कहा जाता है तकदीरबान, जो बाप से तकदीर लेकर पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हैं। ऐसा पद्मा पद्म भाग्यशाली तुमको बाप ही आकर बना रहे हैं, ये भी जानते हो। जैसा बाप होता है वैसे बच्चे होते हैं। तुम आत्मा भी हो और मनुष्य भी हो, तो जो मनुष्यों का बाप है वो जरूर सारी सृष्टि का बीज है। वृक्ष जब पूरी आयु का हो जाता है तो बीज ऊपर में चला जाता है, ऊंची स्टेज में चला जाता है ना। तो ये भी मनुष्य शक्ति का बीज है, तुमको भी ऐसी ऊंची स्टेज में जाना है। गाया भी जाता है यथा राजा तथा प्रजा, ये कौन से जन्म की बात है, 84वें जन्म की बात है, मध्य के जन्मों की बात है या फर्स्ट जन्म की बात है। आज के 84वें जन्म में तो यथा राजा तथा प्रजा है ही नहीं। राजाएं प्रजा को नीच दृष्टि से देखते हैं या अपने बच्चों की दृष्टि से देखते हैं, नीच दृष्टि से देखते हैं तो नहीं कहेंगे यथा राजा तथा प्रजा। कोई बाप साहूकार होते हैं, कोई बाप गरीब होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है। तो जो जितना लकी बनना चाहे वो उतना लकी बन सकता है। जितना जो साहूकार बनना चाहे उतना साहूकार बन सकता है। बाप आकर तुमको ज्ञान रतन देते हैं, ये ज्ञान रतन ही स्थूल रतन बन जावेंगे, और एक जन्म के लिए नहीं जन्म जन्मांतर के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। अब बाप कहते हैं जो चाहिए सो पुरुषार्थ से ले लो,
क्योंकि सारा मदार पुरुषार्थ के ऊपर है। पुरुषार्थ करके जितना ऊंच पद लेना चाहो उतना ले सकते हो। और ये भी जानते हो कि ऊंचते ऊंच पद क्या है, जिसके लिए दुनिया में कितने बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर, कौन सा ऊंच पद पाने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया है? सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया। परंतु वो फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि मनुष्य मत और मन मत का रास्ता अपनाया। तुम तो ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। कहते हैं हिंसा के बल पर कोई भी दुनिया में विश्व की बादशाही नहीं ले सकता। तुम तो डबल अहिंसक बनते हो, और डबल अहिंसक बनने के लिए जितना बाप को याद करेंगे, जितना अपना चार्ट अच्छा रखेंगे, क्योंकि चार्ट भी तो जरूर रखना है ना। तमोपधान से सतोपधान भी जरूर बनना है। बुद्धू बन करके ऐसे ही नहीं बैठ जाना है। बाप ने समझाई दिया है, ये भक्ति मार्ग की पुरानी दुनिया अभी पूरी होती है। बाप आते ही हैं नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच में। नई दुनिया सतोप्रधान दुनिया में ले जाने के लिए आते हैं, वो बेहद का बाप है। एक है बेहद का बाप और बाकी सब हैं हद के बाप। चाहे वो कोई ग्रेट फादर्स ही क्यों न हो, धर्म पिताएं ही क्यों न हो, क्राइस्ट को भी कहेंगे हद का बाप। बल 150 से भी, 150 करोड़ से भी ज्यादा क्रिश्चियंस दुनिया में मौजूद हैं जो क्राइस्ट को फादर मानते हैं, परंतु बेहद का बाप तो नहीं है। बेहद अर्थात 500-700 करोड़ का बाप। 500-700 करोड़ आत्माएं उस बाप को अपना बाप मानती हैं, इसलिए बेहद का बाप है। तो अभी ये पुरानी दुनिया पूरी होती है, बेहद का बाप ही सुख देने वाला है। समझाते हैं कि सतोप्रधान बनने से ही तुम सुख पावेंगे, और सतोप्रधान एक ही सत्य बाप, सत्य टीचर, सदगुरु बनाते हैं। सतो बनेंगे तो कम सुख पावेंगे, सतोप्रधान बनेंगे तो बहुत सुख पावेंगे, रजो बनेंगे तो मध्यम सुख पावेंगे, और तमो बनेंगे तो नाम मात्र का सुख पावेंगे।
बाप तो सारा हिसाब बतलाई देते हैं। अभी तो तुम तमो प्रधान हो ना, तो देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी खुशी रहती है। तमो प्रधान की निशानी क्या हुई? खुद भी दुखी रहेंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। जरा भी अभी खुशी नहीं है, वहां तो तुम कितना खुश रहते हो, क्योंकि यहां बाप से तुमको अथाह सुख मिल जाता है, अथाह धन मिल जाता है। अथाह सुख देने वाला एक ही बाप है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं है। जितना बाप को याद करेंगे, जानते हो कि याद से ऑटोमेटिक दैवी गुण अपने आप ही आ जाएंगे। दैवी गुण धारण करने के पुरुषार्थ की भी बात नहीं है, एक याद से ही तुम सभी कुछ पा सकते हो। हाँ, सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण धारण भी करना चाहिए। सतो प्रधान तो बनेंगे, बनेंगे तो दैवी गुण धारणा, दैवी गुणों की धारणा दिखाई पड़ेगी। तो अपनी जांच आप ही करो, और जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो उतना ऊंच मर्तबा अपने पुरुषार्थ से ले सकते हो, क्योंकि अभी पढ़ाने वाला टीचर बैठा हुआ है, बेहद का टीचर है। जो समझते हैं कि बेहद का बाप चला गया, आया था, पढ़ाई पढ़ा के चला गया, तो उनका पुरुषार्थ तो हो नहीं सकता। बाप ही पुरुषार्थ कराने वाला है। अक्षर ही दो हैं, मन मना भव मध्याजी भव। मध्याजी भव तब ही बनेंगे जब बाप की याद में रहेंगे। तुम बच्चे बेहद के बाप को पहचान जाते हो, जान जाते हो कि वो बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता बेहद का बाप ही समझाते हैं, और बाप जो समझाते हैं वो समझा नहीं लेना तुम्हारे लिए कोई नई बात भी नहीं है। कल्प कल्प तुम ये समझा नहीं लेते हो। गीता में भी लिखा हुआ है, संभवामि युगे युगे, अर्थात मैं बार बार आता हूं, परंतु युगे युगे का अर्थ नहीं समझा। हर युग के अंत में नहीं आता हूं, परंतु हर युग की शूटिंग में प्रत्यक्ष होता हूं। तो तुम समझ जाते हो कि गीता में भी सच्चाई आटे में लून मिसल है।
जो सच्चाई बात ही आकर के बताते हैं, कहते हैं ये बातें समझने के लिए अपन को आत्मा समझ करके बैठो और देह के सभी धर्म भूल जाओ, मैं ब्राह्मण हूं, मैं इस पोस्ट पर हूं, मैं ऊंच कुल का हूं, ऊंच धर्म का हूं, मैं अमुक धर्म अमुक कुल का हूं, ये सब देह के धर्म हैं। जब शुरू में तुम इस दुनिया में आए थे तो तुम्हारा क्या धर्म था, तुम क्या थे? आत्मा ही तो थे ना। तुम नंगे आए थे, यहां आकर के तुम जन्म जन्मांतर ये उपाधियां धारण करते हो। इन उपाधियों को झूठे लकब को धारण करते करते मित्र संबंधियों के बंधन में आते आते पूरे ही बंधायमान हो गए हो, देहभान से बंध गए ना, सभी तमो प्रधान बन गए। अभी फिर सतो प्रधान बनना है तो क्या प्रैक्टिस करनी है? है? मैं आत्मा हूं और तुमने आत्मा का रूप भी जाना है, देह तो बड़ी है और आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, आत्मा लाइट है जिसकी रोशनी आंखों से निकलती है। आत्मा निकल जाती है तो आंखों से रोशनी चली जाती है, आंखें बटन मिसल हो जाती है, तो कल पहले तुमने जितना पुरुषार्थ किया है ये तो जानते हो कि हम उतना ही बनेंगे। उनका पुरुषार्थ भी उतना ही होगा, फिर भी याद करना चाहिए कि अभी हमें किसको फॉलो करना चाहिए। क्या गायन है? फॉलो करने के मामले में क्या गायन है? फॉलो फादर, फादर को जान तो लिया है ना। जैसे ये बाप को याद करते हैं, जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं तो उनको फॉलो करो। ये क्या बोल दिया? जैसे यह याद करते हैं, यह बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वैसे उनको फॉलो करो। उनको क्यों कह दिया है? उनको इसलिए कह दिया कि यह याद तो करते हैं लेकिन पहचान कर याद नहीं करते हैं। जरूर इनकी ऐसी भी एक स्टेज आवेगी कि पहचान कर याद करेंगे। जब पहचान कर याद करेंगे तो कोई दूसरे शरीर में प्रवेश होकर याद करेंगे, इसलिए बोला उनको याद करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, यह नहीं है। क्या? पुरुषार्थ कराने वाला बाप है, पुरुषार्थ करने वाले ये हैं।
तो फॉलो किसको करना है? कराने वाले को याद करना है, फॉलो करना है, दो बातें हैं। याद करना है बाप को और फॉलो भी करना है बाप को, फिर अंतर क्या है? पुरुषार्थ करने वाला भी बाप है और पुरुषार्थ कराने वाला भी बाप है, फिर अंतर क्या है? कराने वाला है निराकार और पुरुषार्थ करने वाला है निराकार, साकार का मेल, तो उनको फॉलो करो। वह बाप तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, कौन? वह जो निराकार बाप है सदैव, वो तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, फॉलो फादर, मुझको फॉलो करके परमधाम में सदाकाल के लिए नहीं बैठ जाना। ऐसे फॉलो करेंगे क्या? नहीं, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, फॉलो फादर, तुम्हारे मदर और फादर दोनों गुप्त हैं। जिस समय ये वाणी बोल रहे थे उस समय दोनों गुप्त कहे जा सकते थे, है? ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, मम्मा बाबा कोई और हैं। ब्रह्मा सरस्वती तो रचना है, ब्रह्मा भी रचना है बाप की और सरस्वती भी रचना है, तो गुप्त मदर फादर हैं। मदर तो गुप्त है परंतु फादर तो देखने में आते हैं। फादर कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं उन सब से आकर के मिलते हैं, सब की मुराद पूरी करते हैं। ये अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो। कैसा ऊंच पद? इन्हें लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो, जैसे यह फादर याद करते हैं। जानते हो ये फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। ये बहुत ऊंच था, फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूं। बहुत जन्म कितने होते हैं? 84 जन्म होते हैं। वो 84 जन्म कब पूरे हुए? हैं? 36 में। 36 में कितने साल के थे? वानप्रस्थ अवस्था में 60 साल के थे। 60 साल में प्रवेश करता हूं, फिर शरीर छोड़ते हैं। तो जो शरीर छोड़ते हैं तो उनका नाम क्या प्रसिद्ध हो जाता है? ब्रह्मा। जिनमें मैं प्रवेश करता हूं उनका नाम क्या रखता हूं? ब्रह्मा। ब्रह्मा की आयु कितनी? 100 साल तो पूरे हुए नहीं। तो जो अगला जन्म लेते हैं उस जन्म में
वो 100 साल पूरे करने होते हैं। तो 100 साल जब होते हैं तब कहेंगे बहुत जन्मों का अंत का भी अंत है जिसमें मैं प्रवेश करता हूं। ये बात अच्छी रीति याद करो। कौन सा सन हुआ? जरूर कहेंगे 76। इस बात को भूलो नहीं। माया बहुतों को बुलाए देती है, बुलाए देती है तो बाप को भूल जाते हैं। बाप को भूलते हैं तो फिर कितने धक्के खाते हैं। तुम कहते हो हम नर से नारायण बने, तो नारायण बनने की भी युक्ति बाप बताते हैं कि तुम कैसे नारायण बन सकते हो, कैसे बन सकते हो। अरे याद से तो बन सकते हो, लेकिन दूसरी बात और क्या बताई? याद करो और फॉलो फादर करो। ये भी जानते हैं कि सभी तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। कोई कम फॉलो करेंगे, कोई पूरा फॉलो करेंगे। बाकी एम ऑब्जेक्ट तो बाप बतलाते हैं। क्या एम ऑब्जेक्ट है? अरे नारायण ही तो एम ऑब्जेक्ट है, उसी के लिए तो कहते हैं फॉलो फादर। तो अभी का ही गायन है, और ये फॉलो फादर का ज्ञान भी बाप ही देते हैं। ये फॉलो फादर क्या है और किसको करना है? ऐसे तो सन्यासियों के भी फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वो तो रंग बात हो गई। क्यों? वो सन्यासियों के जो फॉलोअर्स होते हैं वो कहते हैं हम फॉलोअर हैं, परंतु सन्यासियों ने तो लंगोटा लगा लिया, घरवार से मोह ममता तोड़ दिया। फॉलोअर्स ऐसा करते हैं क्या? तो फॉलोअर का एक वो फॉलो तो करते ही नहीं है। वो सभी हैं ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी, भगवान को तो जानते ही नहीं, उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते हैं, और तुमको तो डायरेक्ट ईश्वर आकर ज्ञान देते हैं। वो तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी कहलाते हैं, परंतु वो तत्व अर्थात ब्रह्म वो तो उनको ज्ञान नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? तत्व जड़त्वमय है, जो जड़त्वमयी है वो दूसरों को ज्ञान कैसे देगा? तो वो सभी शास्त्रों का ज्ञान है। यहां तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिस बाप को ज्ञान सागर कहा जाता है। ओम शांति।